अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में मैंने बनाया था मेलन का शेक, खरबूजे का शेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और मॉर्निंग में आज हमने यही पिया था और इसमें मैंने काफ़ी सारा दूध भी ऐड किया था और काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था। और कोई भी किसी भी तरह का शेक, जूस, रस या रूह अफ़ज़ा हो, मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा आइस डला हुआ होना चाहिए उसमें, तब भी उनको पीना पसंद है। तो उनके लिए मैंने इसमें क्यूब्स डाले हुए हैं और मैं थोड़ा नॉर्मल ले लेती हूँ, मुझे क्यूब्स वगैरह की नीड नहीं होती है, मैं सिंपल भी ले लेती हूँ। तो उनके लिए मैंने क्यूब्स डाले थे। और फिर मैंने लंच में बनाया था आज छोले की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, चावल, रायता और थोड़े से छोले की चाट बनाई थी मैंने, और थोड़ी सी सैलेड और अचार। और ये था हमारा आज का टेस्टी एंड हेल्दी लंच। आज मेरे हस्बैंड को थोड़ा लेट जाना था साइड पर, तो इसलिए हमने सबने लंच किया, तब उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे साइड पर, और इसलिए मैं प्रॉपर आज की वीडियो लंच बनाने की डाल नहीं पाई हूँ, वीडियो नहीं बना पाई मैं आज। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से 3-4 मुझे चीज़ें बनानी थी, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से मैंने खाना बनाया था दोपहर का। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था और ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं बनाती हूँ, मिर्चें वगैरह मैं कम ही रखती हूँ खाने में। लंच करने के फौरन बाद मैंने बर्तन वॉश किए थे, काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे, और उसके फौरन बाद फिर आ गए थे बच्चे। ये हैं मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे, जो कि आपने पहले भी वीडियोस में इन्हें देखा होगा, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा ये परेशान करते हैं, और बट इनके बिना मेरा मन भी नहीं लगता है। मुझे हैबिट बन गई है इनकी, अगर एक दिन भी ये नहीं आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इन्हें। संडे में मुझे बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैंने संडे के लिए पेंडिंग में डाले हुए होते हैं, बट उस दिन तो मेरा वो निकल जाता है, संडे वाला दिन पूरे दिन काम में मेरा निकल जाता है अच्छे से, बट किसी अदर डेज़ में ये छुट्टी करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं इन्हें। फिर मुझे इनकी एक हैबिट बन गई है और ये मुझे, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर ये मुझे परेशान करते हैं तो मैं इन्हें डांटती नहीं हूँ, मैं इन्हें पनिश भी करती हूँ अगर ये मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं, या रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग कुछ भी अगर इन्होंने नहीं करना होता है तो इनको पनिश भी करती हूँ मैं। और कुछ बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी हैं इनमें, बट बच्चे ही हैं यार, शरारते करते हैं बहुत ज़्यादा, बट मैं इन्हें अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। और ये सभी भी मुझसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि इनका भी मन नहीं होता है। मैं 3 बजे ट्यूशन के लिए बुलाती हूँ सभी बच्चों को, और 5 बजे इनकी छुट्टी होती है, 3 to 5 इनका टाइम है, बट इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम, आधा घंटा इन्हें एक्स्ट्रा लग जाता है, ये बिल्कुल रेडी नहीं होते हैं जाने के लिए। ये देखें ये कितना क्यूट बच्चा है, और इसीलिए इन क्यूट बच्चों पे इतना प्यार आता है ना बहुत ज़्यादा। और ये छोटा बच्चा मुझसे डेली बोल के जाता है कि टीचर अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा, और मुझे भी इनसे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आता है इन पर। और कभी कभी इनका मन होता है मेरे साथ खेलने का, तो बहुत सारे गेम्स हम बैठ के कभी कभी खेलते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर मुझे खाना वगैरह बनाना होता है, तो मैं ज़्यादा देर भी नहीं खेल सकती उनके साथ। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो और भी ज़्यादा क्यूट क्यूट बातें करते हैं, तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। एक ये छोटू सा बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, ये छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। 2.5 आवर इनके साथ मैं डेली स्पेंड करती हूँ, और टाइम का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, इतनी तेज़ी से टाइम गुजर जाता है इनके साथ, बहुत जल्दी से।
कुछ बच्चे टाइम से आ जाते हैं 3 बजे, कुछ बच्चे थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि उन्हें मस्जिद वगैरह जाना होता है कलामे पाक पढ़ने के लिए, पारा वगैरह पढ़ने के लिए कुछ बच्चे जाते हैं तो वो थोड़ा लेट आते हैं, मिनिमम 1 घंटा लेट भी आते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा उनकी टाइमिंग अलग अलग रखनी होती है। और जो बच्चे पहले आते हैं रीडिंग राइटिंग वगैरह सब कुछ उनका कराने के बाद मैं सबसे पहले उन्हीं की छुट्टी कर देती हूँ, उन्हीं को भेज देती हूँ जो बच्चे पहले आते हैं, और जो बच्चे लास्ट में आते हैं उन सबको लास्ट में ही मैं भेजती हूँ। बट आज ये 2 बच्चे थे जिनकी कंप्लेंट्स आई हुई थी कि ये बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं घर पे, तो इनको मिल रही थी ये पनिशमेंट। बट ये सीरियस वाली पनिशमेंट नहीं है, मैं सीरियस वाली पनिशमेंट भी देती हूँ, सीरियस में भी पनिश करती हूँ मैं बच्चों को अभी, बट बच्चों का मुझे कोई ऐसा स्ट्रिक्ट वाली पनिशमेंट नहीं देनी थी, अभी थोड़ा मूड बच्चों का ठीक था तो मैं उन्हें रुलाना नहीं चाह रही थी, तो मैंने ऐसे ही उनको पनिश किया बस लाइटली। क्यूट बॉय। 5:30 हो गया था, देन दे आर गोइंग होम, और इनके फौरन जाने के बाद ही मैं ये रूम क्लीन करती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंसिल वगैरह ये शार्प करके जाते हैं, कॉपीज़ और बुक्स के पेपर वगैरह भी निकाल के ये काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा करके जाते हैं डेली। तो आज मुझे खाना नहीं बनाना था, खाना मैंने दोपहर में ही बना दिया था, काफ़ी सारा बच गया था खाना, तो पहले हम उसी को फिनिश करेंगे और उसके बाद मैं बनाने लगी थी मिर्चों का अचार, जो काफ़ी सारी मिर्चें ली थी हम मैंने मोटी वाली अचार बनाने के लिए, और ये मैंने इनको फिल करके रख दिया है मसाले के साथ अच्छे से, ये देखें। और फिर उसके बाद मैं वीडियो शूट करने लगी थी तो मैंने हैंड वॉश कर लिए थे, तो ये मिर्चें मेरे हस्बैंड डालने लगे हैं एक कंटेनर में जो कि मैंने निकाल के रखा था अचार के लिए, तो पहले ये सारी मिर्चें वो डब्बे में डाल रहे हैं, ऊपर से हमें डालना था ऑयल इसमें, और काफ़ी अच्छे से मसाला हमने इसमें कोट किया है, और मैंने मिर्चों में चीरा लगाया था अंदर से, मैंने इनको बीच से कट किया था, और पूरा कट नहीं किया था, बीच से एक साइड से मैंने इन्हें कट करके फिर मसाला फिल करा था अच्छे से, और थोड़ा सा ऊपर भी कोड हो गया है मसाला, और जो थोड़ा सा मसाला बच गया था ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। किसी भी हरी सब्जियों के साथ या फिर ज़्यादातर गर्मियों में ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, अचार वगैरह और मिर्चों का अचार, और ये मेरे बेटे को इतना पसंद आया था, उसने काफ़ी सारी मिर्चें, अभी इनको टाइम लगता है गलने के लिए बट उसने गलने भी नहीं दिया इनको, और सॉफ्ट भी नहीं हुई थी ये, और तभी भी उसने खानी शुरू कर दी थी ये, और उसको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी थी, और ये देखिए कितनी टेस्टी ये बनकर रेडी हुई थी। अच्छे से मसाला इसमें कोट किया है और अच्छे से अंदर फिल भी किया है इसमें, काफ़ी अच्छा इनका कलर आ रहा था, और कुछ चीज़ें जो मुझे कम लगती है मसाले में मैं अपने पास से भी उसमें ऐड करते जाती हूँ, और ये अचार वाला मसाला नहीं है, ये अलग से मसाला बनाया था मैंने। इसी तरह से कुछ फिल करी हुई मिर्चें मैंने यहाँ पर बचा लिया था उनको, और मुझे इन्हें फ्राई करना था, और मैंने कुछ स्पाइसेस मंगाए थे अपने हस्बैंड से, खड़े मसाले और कुछ पाउडर वाले मसाले भी मैंने मंगाए थे, जैसे मेरा थोड़े मसाले ख़त्म हो रहे थे, ज़ीरा जो कि मैं फिर अपने जो कंटेनर वगैरह हैं इनके उनमें फिल कर रही हूँ डब्बों में। और कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड आ गए थे कुछ देर पहले, इसके बाद में मैंने काली जीरी भी मंगवाई थी, काली जीरी मैंने इस डब्बे में डाल दिया है, उसका जो डब्बा था वो खाली हो गया था पूरी तरह से, मैंने अचार में यूज़ की थी काली जीरी भी थोड़ी सी, तो वो भी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में मैंने मंगवाया था अजवाइन, जो कि मुझे एक बार इसको चेक करना था कि मसाले में कुछ है तो नहीं, वैसे फ्रेश मसाले होते हैं जहाँ से हम मंगवाते हैं वो एकदम साफ़ सुथरे मसाले होते हैं, बट एक बार फिर भी मुझे देखना था कि अजवाइन बहुत ज़्यादा बारीक होती है और मुझे यूज़ भी ज़्यादा आती है, तो मैं एक बार चेक करके ही इसे ज़रूर फिल करती हूँ ताकि कोई पत्थर वगैरह इसमें ना निकले। तो ये बॉक्स मेरे हो गए हैं रेडी, मैंने मसाले फिल कर लिए हैं, उसके बाद में ये
हल्दी धनिया मिर्ची का पाउडर था और अचार का भी मैंने पाउडर मंगाया था, जिन्हें मुझे बाद में डब्बों में भरना था। पहले वो पहले वाला मसाला मुझे फिनिश करना था, तब उसके बाद मैं अच्छे से उन डब्बों को वॉश करने के बाद फिर से मसाला भरूंगी उनमें। और मैंने ऑयल गरम कर दिया था, मस्टर्ड ऑयल एक पैन में। उसके बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था, फिर मैंने ये मिर्ची डाल दी थी जो कि मैंने बचा के रखी थी, अचार वाली मिर्ची। अब मुझे इसमें डालना था थोड़ा सा पानी, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है फौरन ही। और तेल अच्छे से पक चुका था पहले से, अब मैं इसे अच्छे से कवर कर दूंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने गैस को छोड़ दिया है। ये देखिए इतनी यम बन के रेडी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ये। इन फ्राई वाली मिर्चों को आप एक हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। उसके बाद रात में हमने खाए थे मैंगो, जो कि बहुत सारे हम तीनों ने मैंगो खाए थे और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है मैंगो। आप सभी को भी आई होप पसंद होंगे मैंगो। और अगर आज की आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Wham, do 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 do